सॉरी यार, एक्चुअली वो लाइव में सेव नहीं कर पाया, ठीक है? अब पता नहीं सब कुछ फिर से रिपीट करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा यार। सीरियसली एक एक बात, मैं चाहता था वो टॉपिक जल्दी ख़त्म हो जाए, पता नहीं मेरा ये लाइव कैसे बंद हो गया और मुझे अब सब चीज़ें फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। गाइज आप लोग कमेंट मत करो, मैं तो यही बोलूँगा फिलहाल के लिए, मैं बस बोल कर ख़त्म कर देता हूँ इन शॉर्ट, ठीक है? बिकॉज मैं चाहता था ये लाइव सेव करूँ, उन लोगों तक ये लाइव पहुँचे, वो लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे पता नहीं है मुझे, ठीक है? तो ठीक है, मैं फिर से एक बार सब चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ ये सब बातें उन तक पहुँचें। सॉरी गाइज, मैं मुझे फिर से बार बार एक ही चीज़ कहनी पड़ेगी और आप लोगों को सुननी पड़ेगी, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं किसी भी जस्टिस फॉर दानिश को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? मैं फिर से यही बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी जस्टिस फॉर दानिश को सपोर्ट नहीं करता। एंड ये जो भी कैंपेन्स हो रहे हैं ये विदाउट आर नॉलेज, मतलब हमारी नॉलेज में नहीं हो रहे, ठीक है? मैंने एक दो बार इनको देखा, मैंने सोचा कि कोई फैंस है कुछ कर रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है? इन्होंने एफआईआर का कॉपी मांगने की कोशिश की, मैंने दी नहीं। पहले मैंने प्रॉमिस किया था उस बंदे को मैं दूंगा करके, मगर बाद में मेरे फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स इन लोगों ने मुझे थोड़ा वो किया कि तू क्या किसी को भी सब चीज़ें दे दे रहा है। एंड वो भी उनकी जगह पे सही है कि हम किसी को भी हर हर चीज़ नहीं शेयर कर सकते, तो उस बेस पे मैंने उनसे वो सब चीज़ें शेयर नहीं की, ठीक है? और लाइक मैंने दे बाद में 10 दिन के बाद मैंने वो सब चीज़ें शेयर की है उनसे, लाइक मेरी फ्रेंड के थ्रू, प्रीत करके मेरी एक बंदी फ्रेंड है, वो भी आफ्टर दानिश इंसिडेंट, दानिश के इंसिडेंट के बाद वो मेरी फ्रेंड बनी है। बार बार कनेक्टेशन कनेक्शन चला जा रहा है, सॉरी यार, ठीक है? तो मैं यही क्लियर मैसेज देना चाहूँगा उस बंदे को, जो भी ये बंदा है, राज नाम है, भूषण नाम है, जो भी नाम है इस बंदे का, मैं तुम्हें यही भाई ये देना चाहूँगा कि मैं बहुत परेशान हूँ यार, फिर से ये सब चीज़ें वापस बोलनी पड़ेगी, बोल बोल के थक गया हूँ, इन सब चीज़ों को रिपीट करने पे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? मैं इन सब किसी भी कैंपेन्स को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मैंने लाइव अटेंड कर दिया आप लोगों के, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैंने आप लोगों के लाइव अटेंड कर दिए, ठीक है? और मैं ऐसे कोई भी कैंपेन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? और ना आगे करूँगा, ना करता था, ना करूँगा और ना करना चाहता हूँ, इन शॉर्ट, ठीक है? और सडनली ये सब चीज़ें आके बोलना, ये सब इसी लिए है क्योंकि मेरे फैमिली में ये सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशानी हो रही थी कि ये कौन बंदा है, क्या कर रहा है एंड ऑल। मेरी मम्मी अम्मी मतलब घर पर जब ये टेंशन आती है तो अच्छा नहीं लगता है, तब हमें ही बोलना पड़ता है। तो लाइक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे ये सब, क्योंकि वो बंदा भी लाइक अपना ही काम कर रहा है, मगर ये जो उसने नाम लिया है, मैं गुफरान मेरे साथ है, फैमिली मेरे सपोर्ट में है एंड ऑल, तो ये सब उसने फेक कहा है और ये गलत है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता हूँ इन सब। अगर वो कुछ अच्छा कॉज भी कर रहा था वो सीधे सीधे करता, ठीक है? वो एक नॉर्मल बेस पे करता, ठीक है? वो यहाँ पे कांटेक्ट करो यहाँ पे, मुझे कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी भेजा है, उसी के बंदे हैं, उसी के ग्रुप के बंदे हैं, ठीक है? उसे भी चीज़ें समझनी चाहिए, अगर वो सबकी इतनी खबर रख रहा है तो उसके भी ग्रुप में कुछ ऐसे बंदे होंगे जो उसकी भी कुछ खबर फैला रहे होंगे, जैसे कि वो क्या बोलता है यार, मेरा इतना दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, इतना लोग दिमाग कहाँ से लगाते हैं, बंदा बेहतर जाने। मगर उसमें उसने कहा है कि आप लोग गुफरान को जाके बातें करो, बुरी बातें करो तो वो आपको रिप्लाई करेगा एंड ऑल। यार मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? मुझे किस चीज़ का एटीट्यूड होगा, मुझे मुझे कोई एटीट्यूड नहीं। मैंने मैं क्यों एटीट्यूड फॉर वॉट? आप लोग मेरे भाई को प्यार करते हो, उससे मुझे एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं आपको रिप्लाई ना करूँ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है यार, आप लोग अगर मुझे टेक्स्ट करोगे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। हाँ, मगर आप नॉनसेंस चीज़ें पूछोगे तो मैं वो सब चीज़ें नहीं करता कर सकता। और अब मैं यही बोलूँगा कि मैं ऐसे कोई जस्टिस फॉर दानिश को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? अगर आप लोग इतना हो भाई, अभी आपने मुझे ब्लैकमेल करने की बहुत कोशिश की है, तो मैं आपको यही बोलूँगा, आपको मेरे बारे में जो मिला है, जो कुछ है आपके पास डाल दो यार, वॉइस वीडियो ऑडियो या मेरा चैट्स जो डालनी है डाल दे भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा नाम फेम, मेरे को कोई नेम फेम की पड़ी नहीं है, मुझे मेरा कोई इनफैक्ट मेरा कोई सोशल नेटवर्क पे मेरा कोई स्टेटस नहीं है, आई एक्सेप्ट इट, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मेरे सोशल नेटवर्क पे स्टेटस रहे। अगर दानिश का भाई होने की वजह से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ठीक है? फ्यूचर का सोचो आप, फ्यूचर का मैं क्या सोचूं यार, फ्यूचर का ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर तब होगा जब मेरा प्रेजेंट अच्छा होगा, ठीक है?
पहले मैं अपने प्रेजेंट को सही क्लियर कर दूं आप लोगों के सामने। मैं नहीं चाहता कि लाइक अब ये बातें और आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि ये बंदा जो बच्चे लोगों को यूज़ कर रहा है, 12-13 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं वो बहुत गलत यूज़ कर रहा है। उन सब बच्चों को इनको एक्चुअली यूज़ नहीं करना चाहिए, जस्टिस फॉर कैंपेन दानिश के नाम पर, ठीक है। तो उनके एग्जाम से भाई इन सब चीज़ों को समझो और वो उन सब चीज़ों का भी आप थोड़ा टेक केयर करो। और आपको दानिश को जस्टिस दिलाने की अगर इतनी ही पड़ी है तो मैं आपके ग्रुप मेंबर्स और आपके लिए एक मैसेज छोड़ना चाहूंगा। मैं आपको 3-5 दिन का टाइम देता हूँ, आप मुंबई आओ, आकर मुझसे मिलो, मैं आपको पर्सनली फोर्टिस हॉस्पिटल और मैं आपको ये पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। वहां पर आप चार्जशीट से देख लो, सीनियर इंस्पेक्टर से मिल लो, आपको FIR पोस्टमार्टम क्या चाहिए आप सब सर्वे करो, ठीक है। ऑनलाइन बैठकर प्लीज र्यूमर्स मत फैलाओ, सामने आकर बात करो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है मैं आपको कोई हार्म करूंगा, मैं आपको कुछ नुकसान पहुंचाऊंगा, आप आपकी जो फ्रेंड्स है, जो भी है आपको कोई फ्रेंड है, आपको कोई फ्रेंड है, आपका लाइक राज है या क्या नाम है भूषण या कोई भी, आप पता नहीं आप कौन हो, तो आपको जो भी फ्रेंड होगा राज या भूषण में से कोई भी है, आप उसको लेकर आओ, या अर्शीनास को लेकर आओ, या अरिशफा खान को लेकर आओ, ठीक है, उन माँ बेटियों को भी लेकर आओ जो भी आपके सपोर्ट में है, तो एटलीस्ट वो आपके सेफ्टी सेफर साइड में रहेंगे, क्योंकि मैं आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाऊं। आप उन सबको लेकर आओ और भी 10-15-50-100 लोगों को लेकर आओ अपने साथ, और ठीक है हम लोग आपका वेलकम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे फूलों से, ठीक है। आपने इतना अच्छा काम किया, जस्टिस के लिए काम करो, वेल एंड गुड, मगर सामने आकर काम करो यार, जस्टिस दिलाओ, ठीक है। घर पे बैठकर मोबाइल पे ऐसा हाथ रख के छुपा कर औरतों की तरह मत करो, ठीक है, थोड़ा मैच्योर बनो, सामने आप सामने आकर करो, ठीक है। और क्या बोलना चाहूँगा मैं आपको, बस यही है, 5 दिन दे रहा हूँ भाई, 5 दिन में सामने आकर बात करनी है तो करो, नहीं तो अपना अकाउंट बंद करो और प्लीज चले जाओ। अकाउंट मत बंद करो, एज इन मेरा बोलने का मतलब है मेरे भाई की पिक्स हटा देना, वहाँ पे ये सब फालतूगिरी करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्टिस फॉर दानिश एंड ऑल, और ये सब चीज़ें आना है तो सामने आओ, नहीं तो अपने कोई बंदे हैं उनको भेजो जो मैच्योर हो, ठीक है। और ये फाइनल बार बोल रहा हूँ, फाइनल चीज़ है, नहीं तो 5 दिन के अंदर बंद कर दो, नहीं तो आई स्वेयर 5वें दिन मैं आपके नाम की कंप्लेंट कर दूंगा, ठीक है, कि आप मेरे फैमिली की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो, ठीक है, विच इज टोटली अगेंस्ट लॉ, ठीक है। उसके बाद आपको जो एक्शन का रिएक्शन या सेक्शन या जो भी देना हो आप दो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फरा 6814 CBI इन्वेस्टिगेशन चाहिए गुफरान, CBI इन्वेस्टिगेशन मेरी पॉकेट में नहीं पड़ी है फरा, ठीक है, कि निकाल के दे दूँ ये लो भाई CBI इन्वेस्टिगेशन, ऐसी नहीं होती CBI इन्वेस्टिगेशन। CBI इन्वेस्टिगेशन आपको करवानी है तो आपके सर या आपके भाई या आपके जो भी बंदे हैं वो जिनका नाम राज है या भूषण है या जो भी जस्टिस फॉर दानिश जहन है उनको बोलो आप आओ, आप आकर बात करो, ठीक है। CBI इंक्वायरी कराने के लिए भी आपके पास ठोस सबूत चाहिए, ठीक है, जो आपके पास और मेरे पास नहीं है, ठीक है, कि हमें कोई पक्का सबूत है कि कुछ मिस्टीरियस था, तब जाके वो समझ में आएगा। अभी आप लोग बोलोगे फोर्टिस का वो कोई मिस्टीरियस नहीं है, फोर्टिस के स्टेटमेंट से मैं अग्री करता हूँ, फोर्टिस ने स्टेटमेंट दिया है कि दानिश वॉज नॉट ट्रीटेड बाय देम, जो कि वो राइट बोल रहे हैं, दानिश को उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो प्योरली बेसिस ऑन अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के बेस पर ये स्टेटमेंट दी है। उनके रिकॉर्ड्स में दानिश का कोई कहीं पे भी नाम नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर ने ह्यूमैनिटी बेस पर दानिश को चेक किया था, जो कि क्लियरली समीर ने भी ये अपने बयान में यही कहा था कि हम लोग दानिश को हॉस्पिटल लेकर गए जहाँ पे फोर्टिस में एक डॉक्टर ने और वहाँ पे कुछ पियून थे, उन लोगों ने बस दानिश को चेक किया, उन्होंने बोला कि आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ, दूसरा हॉस्पिटल भी विद इन 20 मीटर के रेंज पे सेम प्रीमाइसिस में है। तो आप जो भी आपको देखना है आप आके सामने खुद अपनी आंखों से देखो, उस पर बिलीव करो, ठीक है। बैठ कर कुछ भी बोलकर मतलब नहीं है भाई, ठीक है। मैं भी बहुत स्ट्रेस में ये सब बातें कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने ज्यादा बातें नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मेरा बहुत सर दुख रहा है, ठीक है। और फोर्टिस ने जो स्टेटमेंट दिया उससे मैं भी अग्री करता हूँ कि दानिश को उन्होंने ऑफिशियली कोई ट्रीटमेंट नहीं दी थी, जो कुछ हुआ था वो अनऑफिशियली डॉक्टर ने ह्यूमैनिटी बेस पर चेक किया था और बोल दिया कि भाई इसको आप लेकर जाओ, तो उसके लिए वो ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि दानिश को हमने ट्रीट किया है। अब जो बंदे लिटरेट है या जो बंदे मेडिकल स्टूडेंट्स है या जो बंदे कॉलेज या ये सब जगह जाते हैं, जिनको प्रॉपर स्टेटमेंट्स के मतलब समझते हैं, वो लोग ये चीज़ अच्छी तरीके से समझेंगे कि दानिश
का जो स्टेटमेंट दिया फोर्टिस ने वो किस बेस पे है और क्या है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है मेरे साथ आओ, 5 दिन का मैंने आपको टाइम दिया है। आप मैं अर्शीनाज अरिशफा खान और जितने भी खान शेख जितने भी हैं हम सब चलेंगे, ठीक है, रैली निकालेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, साथ में चलेंगे और सामने आप उनके मुंह से सुनो कि उन्होंने किस बेस पे दी है ये स्टेटमेंट, ठीक है। प्लीज अब मेरा सर मत दुखाओ, मेरा सर बहुत खराब है और ये सब ब्लैकमेल लगने करना या तो बंद कर दो या तो सब चीजें डाल दो यार, ठीक है। ये सब चीजें लाइक सोशल पे करना अच्छी बात नहीं है भाई, लाइक डालना तो पूरा डालो, मैं भी थोड़ा पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठू और थोड़ा सुनूंगा यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं भी वैसे पक गया हूँ, यहाँ पे टीवी भी नहीं चल रही है, ठीक है, तो एटलीस्ट आप कुछ चलाओ, बताओ कुछ चलाओ तो मैं भी सुनूं, पॉपकॉर्न मेरा खत्म हो, ठीक है। और सेकेंडली अभी आप लोग जा सकते हो प्लीज, बिकॉज जो भी ये सब चीज़ों में थे मैंने आपको 5 दिन का टाइम दिया, फिर से एक बार बोलो 5 दिन में भाई, एक बार देखो कौन 5 दिन में आप एक बार देख लेना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो प्लीज आप आ जाओ, मैं तो यही बोलूंगा, यू आर वेलकम, ठीक है। 2 मिनट हितेश भाई लाइव हो, 2 मिनट तो बस इतना ही बोलना था। और सेकंड चीज प्लीज आप लोग, मैं लाइव शेयर करूंगा, आप लोग उस तक पहुंचा देना, आपके सर या जो भी आपके है गुरुजी या जो भी है वो आपके, ठीक है। और मैं और ये बोलना चाहूंगा, मैं दानिश का केस अभी जो भी मैंने री इन्वेस्टिगेशन के लिए डाला था मैं अब वो सब नहीं करने वाला हूँ, मैं री इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाऊंगा जब तक कि ये बंदा मुंबई नहीं आएगा, ठीक है। या तो ये बंदा मुंबई आए या तो फिर एक काम कर, लाइक उसको बोलो कि किसी अपने फ्रेंड को या किसी को भी जिसको वो ट्रस्ट करता है उनको बोलो कि लाइक लाकर डाल दे, ठीक है प्लीज। तो और सेकेंड चीज ये है कि लाइक हम लोग समीर पे, हम लोग मतलब मैं मेरी फैमिली मेरी मम्मी हम लोग सब समीर पे ट्रस्ट करते हैं, इवन मेरा भाई दानिश उस पर ट्रस्ट करता था, ठीक है। तो हम लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि समीर को दानिश की वजह से कोई भी तकलीफ हो, समीर भी किसी का भाई है किसी का बेटा है, आप लोग भी ये बात को समझो। मुझे गालियाँ दे रहे हो इट्स ओके फेयर इनफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसकी फैमिली को फर्क पड़ता होगा यार, क्योंकि वो एक हादसे से गुजरा है, तुम भी उन चीज़ों को समझो, ठीक है। समीर दानिश अगर मैं दानिश से होता तो क्या बोलते, मैंने करवाया ऐसा, ये सोचो, ठीक है, जो हादसा होना था वो हो गया। अब दानिश की वजह से समीर को ब्लेम करना इसमें कोई किसी का वो नहीं है, और कोई ये चाहता है कि लाइक मेरा नेम फेम करके, हाँ नहीं बस वो क्लियर करता हूँ। फिर सेकंड चीज मैं आपको यही बोलूंगा कि प्लीज देखो भाई ये सब चीजें सॉर्ट आउट कर दो और आप लोग आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि सामने से आप लोग यही समझो कि मैं कोई आपको लाइक फेक स्टोरी दे रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। इससे अच्छा आपके सर या आपके जो भी है वो गुरुजी आ जाए और खुद ही ये सब चीज़ें देख ले, ठीक है। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, लाइक मेरा भी सर बहुत दुख रहा है, इसके लिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता अभी। और प्लीज़ तो आप आकर सामने सामने ये सब चीज़ें करो, और किसी को कुछ पूछना है प्लीज। तहरीम इंडस्को 1109 काम डाउन इस पॉप्स आई विल काम डाउन अच्छा याद नहीं था मैं तभी मर्चेंडाइज इंशाल्लाह ये वीक में स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। सॉरी गाइस मेरा लाइक आज जरा भी मूड नहीं, मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, लाइक यहाँ पे बहुत बाय रोड आए हम लोग ट्रैवल करके, बहुत सर दर्द दे रहा है, फिर वो मार्च भी था उसमें भी हम लोग काफ़ी चले हैं ना, इस वजह से थोड़ा एंड प्लीज गाइज जो भी मुझे दानिश की वजह से फॉलो करते हैं या ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग मुझे फॉलो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि आप लोग मेरे को फॉलो करो या कुछ भी करो, आप जिसको किसी को जिस किसी को फॉलो करते हो उस किसी को फॉलो करो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि आप लोग मेरे को फॉलो करो या कुछ, मैं जब कुछ करूंगा आपको पसंद आएगा तो करो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर दानिश का भाई होने की वजह से मुझे कोई सिंपति दो या फॉलो करो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज लोग इस चीज़ों को भी गलत वे में लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो कुछ होगा इंट्रो कैसा होगा या कैसा होगा आप लोग जानना चाहते हो वो सब आप लोग जब वीलॉग आएगा तब देख लेना।
ठीक है, उसकी तैयारी अभी हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, व्लॉग्स व्लॉग की तैयारी, ठीक है। 5 दिन के अंदर भाई लास्ट बता दे रहा हूँ, लास्ट 3 दिन के अंदर, सॉरी 5 दिन के अंदर अगर आप मुंबई नहीं आ सकते हो तो आप आपके अकाउंट पे सब कुछ चेंज कर देना और हटा दो ये सब चीज़ें, फालतूगिरी को बंद कर दो, बच्चों के एग्जाम से ये सोच लेना, ठीक है। नहीं तो आई एम सॉरी, मुझे केस करनी होगी आपके ऊपर, आप जो भी हो, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे गालियाँ दो या कुछ भी करो, ठीक है, ये मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा। 5 दिन दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप दूर रहते हो इस वजह से, या तो एक काम करो, आपके कोई फैमिली मेंबर या आपको कोई रिश्तेदार है जिसपे आप ट्रस्ट करते हो उसको मेरे पास भेजो, मैं उनको लेकर जाता हूँ, उनसे आप ये सब चीजें, मगर सच दिखाओ, ठीक है। झूठी बातें दिखाकर, झूठी चीजें फैलाकर लोगों को गुमराह करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्लीज। तो ये मैं आपको लास्ट मैसेज था, आपको मैं यही क्लियर बोल रहा हूँ। मैं कल आपके नाम ही कंप्लेंट कर रहा था, मगर मैं 5 दिन रुक रहा हूँ, 5 दिन में अगर आपने ये सब चीजें या तो प्रॉपर वे में नहीं लेकर गए या तो उसको स्टॉप नहीं करी, दो चीज में से एक कर लो। अगर आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है, मेरे को भी चाहिए, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ ठोस सबूत है आपके पास, सब कुछ गलत हो रहा है, मैं आपके साथ हूँ, आप आओ, मगर साथ में आओ, बैठ कर पीठ पीछे से करके मतलब नहीं है। नहीं आ सकते हो, आपके कोई फैमिली मेंबर को या जिसपे आप ट्रस्ट करते हो उसको भेजो, 5 मिनट भेज दीजिए, बस ये रोज का मच मजा यार, खत्म कर देता हूँ, 5 मिनट बस, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, जिसके भी एग्जाम्स हैं, आई विश यू ऑल वेरी गुड लक, 5 मिनट ओके, आई विश यू ऑल वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। डीजेड फाउंडेशन क्या है भाई? डीजेड फाउंडेशन दानिश के नाम पे फाउंडेशन है, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, वो अभी तक पब्लिक नहीं है, ठीक है, अभी तक नॉर्मल है, नॉर्मल वे में चल रही है, सो लाइक हम लोग चला रहे हैं फिलहाल, मगर जब पब्लिक हो जाएगी सो वी विल मेड इट पब्लिक। जो भी चाहता है डीजेड फाउंडेशन में आकर हमारे साथ हेल्प करना, वी दे आर वेरी मच वेलकम, हमने किसी को कोई मना ही नहीं किया है, जो आना चाहता है आ सकता है ना, हमारा जो भी नेक्स्ट इवेंट होगा हम आपको बता देंगे। तो आप लोग, नेक्स्ट इवेंट होगा 16 मार्च को, ठीक है, जो हम प्लान कर रहे हैं, और जैसा होगा जो होगा तो आप लोग अगर उसमें आना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने कभी किसी को किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया और ना करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को टेक केयर करो, एंड रूमर्स पर भरोसा मत करो, ठीक है, रूमर्स पर भरोसा मत करो, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बंदा भी गलत है, उसने कुछ बातें करी है वो गलत है, जैसे कि गुफरान मेरे साथ है, गुफरान में ये आता है, ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है, उसने गलत बातें की है जो मुझे खराब लगी, मेरे फैमिली में खराब लगी एंड ऑल, तो इस वजह से मैंने, नहीं तो मैं इतने दिन से एंटरटेन भी नहीं कर रहा था इन सब चीज़ों को, मगर अभी मुझे करना पड़ा बिकॉज वो गलत गलत नाम ले रहा है, मगर मैं उसको भी गलत नहीं बोलूंगा, हो सकता है वो भी दानिश का कोई फैन होगा या दानिश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता होगा, तो सामने से आकर करो, यहाँ पे बैठ कर करके नरेंद्र मोदी को टैग करके, देवेंद्र फडणवीस को टैग करके, इन सबको टैग करके कोई मतलब नहीं, ठीक है। और कुछ नहीं, बस यही बोलना चाहूंगा, और कोई मुझे पूछ रहा था मुंबई का निखिल, तो भाई मेरा फेवरेट है, ठीक है, और कुछ नहीं, मेरा क्या, इनफैक्ट दानिश का भी वो फेवरेट ही था, मेरी और दानिश की लास्ट चैट हुई थी उसमें भी हम लोग मुंबई कर निखिल के बारे में ही बात कर रहे थे, तो वही दिखा दो टैटू, टैटू वैटू मत भाई, मेरी मम्मी भी शायद लाइव कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे और फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, तो नो मोर फ्लाइंग चप्पल्स, आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड, नो मोर फ्लाइंग चप्पल्स, वीलॉग का इंट्रो वेट करो ना, जब आएगा वीलॉग तो पता चल जाएगा। सोला रेखा गुफरान, चलो गाइस आप लोग सो जाओ, ठीक है, मैं भी सो जाता हूँ, नहीं तो इससे पहले मेरी मम्मी का कॉल आ जाए और कुछ नया हो उससे बेटर यही है कि मैं सो जाऊँ, ठीक है, ठीक है, तो अभी समझ जाओ, ठीक है,
सो भाई गाइस बाय बाय फॉर द डे. मैं अभी कोई लाइव नहीं आना चाहता बिकॉज मेरी मम्मी भी नहीं पसंद करती है मैं लाइव आऊँ. ठीक है तो मैं रख रहा हूँ और मैं बस यही बोलूँगा कि जो भी बंदा है उसको बोलो मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए. कॉन्टैक्ट करने के लिए एज इन मतलब मुंबई आ जाए या तो किसी भी उसके फैमिली मेम्बर को कॉन्टैक्ट करने के लिए. ठीक है और जो भी है कॉन्टैक्ट नंबर मतलब उसके कॉन्टैक्ट नंबर मुझसे शेयर करने के लिए मैं खुद सामने से कॉल करके बात कर लूँगा. मगर अब मैं नहीं चाहता ये चीज़ें सोशल रहे क्योंकि सोशल रहेगा तो र्यूमर्स बढ़ते रहेंगे और बच्चों के एग्जाम्स हैं. मैं नहीं चाहता कि क्योंकि कल को किसी का पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे कि किसी राज नाम के बंदे की वजह से या किसी भूषण नाम के बंदे की वजह से लोगों के एग्जाम्स खराब गए या हमारे बच्चों के एग्जाम्स खराब गए. ठीक है वो लोग ब्लेम करेंगे कि दानिश की वजह से हमारे एग्जाम्स बच्चों के एग्जाम्स खराब गए. ठीक है जो मैं नहीं चाहता. तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को समझो और प्लीज़ तो यही बोलूँगा कि जो भी है सॉर्ट आउट करते हैं अगर सामने आओगे तो. नहीं आना है सामने थैंक यू वेरी मच गुड बाय. ठीक है अब मैं ये लाइव सेव कर दे रहा हूँ प्लीज उस तक पहुँचा देना. मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिख रही है मुझे भी पता है. पता नहीं आज रात आज दिन भर कितना ट्रैवल किया है मगर बहुत थक गया हूँ मैं भी. सो गुड नाइट फैम ब्रो फॉरएवर एंड फॉरएवर. चलो गाइस बाय. ठीक है रख रहा हूँ मैं अभी और आप लोग भी सो जाओ. ठीक है और किसी और दानिश केस में कुछ अभी रीओपन नहीं करने आ रहा हूँ जब तक ये सब अब सब पहले सामने नहीं आ जाए कि कौन कौन इंटरेस्टेड है केस रीओपन करने में. क्योंकि मैं एक ही बार ओपन करूँगा और एक ही बार क्लोज करवाऊंगा और उसकी चार्जशीट भी जो होगी वो मुंबई न्यूज़ के पास जाएगी. वही लोग फाइनल चार्जशीट आप लोगों में डिस्क्लोज करेंगे. ठीक है अभी भी बता दे रहा हूँ जो चार्जशीट होती है वो मुंबई न्यूज़ के पास जाएगी वहीं से डिस्क्लोज होगी. तो आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना चार्जशीट के लिए. चार्जशीट रातों रात नहीं आती उसमें भी टाइम लगता है. सो प्लीज़ ये सब चीज़ों को टेक केयर करना. और अब मैं रख रहा हूँ बहुत से लोग गुड नाइट बोल रहे हैं मुझे भी गुड नाइट बोलना चाहिए. ठीक है नहीं तो उनकी मम्मी डैडी मुझे कुछ बोलेंगे दैट इज़ नॉट गुड. ठीक है चलो नाउ टेक केयर बाय बाय गुड नाइट.